वेलकम टू एसएससी मैथमेटिक्स सेंटर फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम एसएससी एचएसएल 2016 के प्री का पेपर एक सॉल्व करने वाले हैं। हम इसका क्वांटिटेटिव पार्ट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में और ये पेपर कंडक्ट हुआ था 29 जून 2017 शिफ्ट वन में। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन कह रहा है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस इक्वेशन। हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बताना है। एक्स स्क्वायर के साथ है लिखा हुआ -2, तो आंसर आ गया -2। बताओ कैसे कैसे क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले एक बार थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करें। ओके, अब ठीक है। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ ए मर्चेंट ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन लिस्ट प्राइस, ही मेक्स ए लॉस ऑफ 10%। अगर कोई आदमी 10% छूट दे तो उसको 40% छूट दे तो उसको 10% का नुकसान होता है। व्हाट विल द प्रॉफिट और लॉस इफ ही सेल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। अगर वो अब खाली 20% डिस्काउंट दे रहा है तो उसको फ़ायदा या नुकसान कितना होगा, ये बताना है। ठीक है फ्रेंड, पहले पार्ट में क्या कह रखा है कि उसने 40% डिस्काउंट दिया, यानी कि उसने पैसा कितना लिया होगा 60x, और हमें तब हुआ क्या था 10% नुकसान, यानी कि अपने को 90 रुपये मिले होंगे। हमारा सामान था 100 रुपये का, ठीक है। 10% का लॉस हुआ मतलब अपने को 90 रुपये मिले, यानी कि एक्स का मान कितना हो जाएगा, 2x का मान हो जाएगा 3, तो x का मान हो जाएगा 3/2, यानी 1.5। ठीक है, अब अपने को ये कह रहा है कि अगर अपने को डिस्काउंट दे हम 20%, यानी कि अब हम 80 रुपये ले रहे हैं, इंटू 80 40 120। अब देखो कितने रुपये ज़्यादा हो गए, 20 रुपये ज़्यादा, यानी 20% का फ़ायदा हो गया हमें। अभी हमारा आंसर आ रहा है 120 120, यानी 100 से कितना ज़्यादा, 20 रुपये, तो आंसर आ गया 20%। ऑप्शन देख लेते हैं एक बारी, और अभी आंसर हमारा प्रॉफिट में होगा क्योंकि आंसर 120 है 100 से ऊपर, तो आंसर आ गया 20%, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मीन ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय 60 स्टूडेंट डिवीजन ए एफ क्लास 10 66। 60 बच्चों के 66 मार्क्स हैं, 45 बच्चों के 62 मार्क्स हैं, और 75 बच्चों के कितने मार्क्स हैं, क्या दे रखा है, 75 बच्चों के 60 मार्क्स हैं। तो अपने को पूरा एवरेज निकालना है तीनों सेक्शंस का मिला के, तो हम देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। ओके फ्रेंड्स, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो अपने को क्या दे रखा है, डिवीजन ए में 60 बच्चे हैं, डिवीजन बी में 45 बच्चे हैं, और डिवीजन सी में 75 बच्चे हैं, और ये तीनों के तीनों जो नंबर है 15 से डिवाइड हो सकते हैं, तो मैंने 15 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से आ गया 4, यहाँ से आ गया 3, और यहाँ से आ गया 5। कहने का मतलब 4 बच्चों के औसत है 66, 3 बच्चों का औसत है 62, और ये इन 5 बच्चों का यहाँ पे औसत था 60। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना। अब टोटल बच्चे कितने हो गए, 4 3 7 7 5 12, तो बटे 12 आएगा। ठीक है, अब अपने को 66 को 4 से गुणा करना है, तो 66 6 6 24 हासिल दो 264 प्लस 3 को 62 से करना है, 6 3 18 186 हो गया ये, प्लस 60 5 300 300। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा और 12 से भाग करना पड़ेगा, 186 और 300, तो ऐसे 6 4 10 हासिल 1, 15 हासिल 1, 2 3 4 4 3 7, 750/12 12 6 72। अच्छा अच्छा तो हमें पता है कि 12 छिंग 72 होते हैं, तो बचे 3, 12 2 24, 62 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आएगा, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है 221 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को 20² से भाग देना है, यानी कि आंसर में इस 20² से ये 20² शहीद हो जाएगा, आंसर में बचना चाहिए खाली ए स्क्वायर, तो खाली एक ही ऑप्शन में खाली ए स्क्वायर बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 यही आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने की कहाँ ज़रूरत आई, क्वेश्चन देख के काम हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 40.36 -9.37 -x -29.2 =3.6x 3.68 फाइंड x। तो फ्रेंड्स, अपने को यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर लेते हैं, काम इजीली हो जाएगा।
ये पॉइंट वॉइंट के बाद वाली वैल्यू इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 40 माइनस 10 प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पे कॉमन बाहर माइनस का तो अंदर प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस 29 बराबर 3, ठीक है। तो ये माइनस 29 इधर जाके 3 प्लस का 29 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 32। अब ये इधर जाके माइनस का बन जाएगा तो माइनस 42, ठीक है। यहाँ पे फिर से अगेन ये वाला पोर्शन आ जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, नहीं। तो यहाँ पे कितना कितना बच गया, -10। एक सेकेंड, लगता है मैंने कुछ लिखने में मिस्टेक कर दी। यहाँ पे कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, ठीक है। सिस्टमेटिकली पूरा लिख ही लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 बचेगा, इधर 30 बचेगा, ओके। तो 30 में से 29 गए, एक बचा, तो एक्स प्लस 1 बराबर 3, तो एक्स बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2। पॉजिटिव में बिल्कुल छोटा हुआ आंसर आ जाएगा, एक ही ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पिछली बार शायद मैंने लिखने में कुछ गड़बड़ी कर दी थी, इसलिए थोड़ा गड़बड़ आ रहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन इनइक्वलिटी से है। अपने को दो इनइक्वलिटी दे रखी है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन कहाँ गया, दे रखा है एक्स प्लस 3 इज लेस और इक्वल टू 4x प्लस 4। एक्स की टर्म को एक तरफ ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 3x और यहाँ से हो जाएगा -1, यानी कि x माइनस 1/3 से छोटा है, -1/3 x से छोटा है, ठीक है। यानी कि आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, तो ये तो शहीद हो गया, क्योंकि ये तो इससे भी छोटा है, ठीक है, मगर आंसर इससे बड़ा आना चाहिए। तो जो दूसरी इक्वलिटी उसको देख लेते हैं एक बार ही, जो दूसरा पार्ट दे रखा है। अब मैं इसको एक बार सॉल्व करें, तो 5 चौक 20 -5x -4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 5x-2। तो ये वाला माइनस एक्स के टर्म को एक तरफ ले लेते हैं और नंबर को एक तरफ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 22 -4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 10x। तो ये कितना हो जाएगा, 18, और 10x, और ये 1.8 दे देगा, यानी कि जो आंसर होगा वो 1.8 से छोटा होना चाहिए। तो 1.8 से छोटा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 1। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए मिसाइल ट्रेवल्स 1116 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी मीटर डज इट ट्रेवल इन ए सेकेंड, ठीक है। अपने को ये जो वैल्यू दे रखी है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 1116 इंटू 5/18, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, 5 से ये कितनी बार चला जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 3.6 बार चला जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए, ये अराउंड, अच्छा सारे 300 में दे रखे हैं, इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। देख लेते हैं कैसे जा सकता है, ये 6 से जा सकता है, ठीक है। तो हम दोनों को 6 से भाग कर देते हैं, तो ये आ गया 0.6, और ये 6, 6 कम 6, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 6 36, 186 इंटू 10/6। अब अपने पास बचा 186 इंटू 10/6, तो ये फिर से भी चला जाएगा, 6 3 18, 6 कम 6, 31 इंटू 10, 310 आंसर आ गया। मैंने इस डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, तो आंसर आ गया 310। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 31%, तो इट्स इसका एरिया किससे बढ़ेगा। तो अपने को मालूम है एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, यानी कि अपने को सक्सेसिव इंक्रीमेंट लगाना है दो बार। सक्सेसिव इंक्रीमेंट क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, और ए बी का मान है 31 जो क्वेश्चन में दे रखा है, तो जो भी आंसर होगा ना वो 62 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि 31 प्लस 31 प्लस 31 इंटू 31/100 करते हैं, तो इससे 62 से ज़्यादा आंसर बच जाएगा, ठीक है। तो 62 से ज़्यादा देख लेते हैं, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, यही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। क्वेश्चन भी
करोड़ बार रिपीट हो चुका है, आप सबको शायद याद भी होगा, हमने कई बार डिस्कस किया है। चलो एक बार फिर देख लेते हैं, कोई बात नहीं। एक बैंक से एक बंदे को कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 20% हर 6 महीने के अंदर। उसने क्या किया, उसने 1 जनवरी और 1 जुलाई को 6-6 हज़ार रुपये जमा कराए, तो वर्ष के अंत में उसको कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसने 1 जनवरी को पैसे जमा कराया था और 1 जुलाई को पैसे जमा कराया था, मगर उसने पैसा कुछ निकाला नहीं था, वो सारे के सारे दे रखे थे। उसने 1 जनवरी को 6 हज़ार जमा करवाया, ठीक है। अगर उसने 1 जनवरी को 6 हज़ार रुपये जमा कराए थे तो 6 महीने के बाद उसको 20% मिल जाएगा, और 6 हज़ार का 20% कितना होता है, 1200, ठीक है। अब उसने और 6 हज़ार रुपये जमा करा दिए, मगर ये वाले निकाले नहीं, तो जब अगले 6 महीने ख़त्म होंगे तो उसको इसकी वजह से 1200 रुपये मिल जाएंगे अगले 6 महीने में, मतलब 1 साल के अंत के बाद। इसकी वजह से 1200 रुपये मिलेंगे, और इस वाले इंटरेस्ट की वजह से भी 20% पैसा मिलेगा इसको, तो इससे कितने हो जाएंगे, 240 रुपये। यानी जो हमारा आंसर होगा उसके आखिरी में 40 बचना चाहिए, क्योंकि 3600 यानी कि 1236 और 240, तो ये हो जाएगा 3840, 3840 रुपये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर दूसरा। आखिरी में 40 बचना चाहिए था एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर टू में, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा था थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ द टू नंबर्स 4 एंड 28 इज। फ्रेंड, जब भी तीसरा अनुपात निकालना है तो हमें क्या करना होता है, जो भी अनुपात पहले दूसरे का होता है ना, जिस अनुपात में पहले दो नंबर होते हैं उसी अनुपात में दूसरा और तीसरा भी होता है। अब देखो अनुपात क्या है इसका, 1:7, तो जो दूसरा और तीसरा नंबर होगा ना वो भी 1:7 में ही होगा, ठीक है। तो अब हमें 28 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 56, आखिरी में 6 होना चाहिए, देखो। अच्छा, 2 में है, चलो पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 7 14 5 19, 196 आंसर आ गया, क्योंकि पहले और दूसरे में अनुपात था 1:7, और दूसरे और तीसरे में भी यही सेम अनुपात होना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा 196। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मम्मी कैन बेक 75 केक्स इन 15 घंटे, मम्मी एंड सिस्टर टुगेदर कैन बेक 120 केक इन 20 घंटे। बहन 20 घंटे में कितने केक बना सकती है, ठीक है। मम्मी बनाती है 15 घंटे में 75, मतलब 1 घंटे में 5, मम्मी की एफिशिएंसी आ गई 1 घंटे में 5। मम्मी और सिस्टर, मम्मी प्लस सिस्टर क्या करती हैं, 120 घंटे में 20 आवर्स में 120 बनाती हैं, यानी कि 1 घंटे में 6 बनाती हैं। इसका मतलब सिस्टर 1 घंटे में एक ही बना पाती होगी, क्यों, क्योंकि मम्मी अकेले 5 बनाती है और मम्मी सिस्टर मिलके 6 बनाती हैं, यानी कि सिस्टर 1 बनाती है तो सिस्टर को 30 घंटे में कितने के बनाएगी, 30 ही बनाएगी, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, 200 से 400 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से भाग हो सकती है। फ्रेंड, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जितने नंबर 1 से लेके 200 के बीच में भाग हो सकते हैं उतने ही 200 से 400 के बीच में होंगे, तो एक बार देख लेते हैं कितने हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो 70 में के अंदर 10 होते हैं, ठीक है, और 1 से लेके 10 के बीच में एक ही ऐसी संख्या है जो 7 से भाग हो सकती है, यानी कि 1 से 10 के बीच में 1 होगा। तो फ्रेंड देखो, अगर ये संख्या 1 से 210 होती ना, तो इसके बीच में 30 संख्या ऐसी होती जो 7 से भाग हो सकती थी, मगर हमें मालूम ही है कि 1 से 10 के बीच में एक ही संख्या आती है, तो हम इससे अगर ये हम -10 कर दें तो यहाँ पे 200 बच जाएगा, और यानी कि इसमें से खाली एक ही नंबर हटेगा जो कि 7 से भाग होगा, तो 30 - 1 बराबर कितना आ गया, 29, आंसर आ जाएगा 29, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिंदु पी ए बी प्रथम मूल पर पी वन पर प्रतिबिंब होता है, और फिर पी वन से वाई एक्स पर प्रतिबिंब होता है, बिंदु पी का निर्देशांक ज्ञात करो। फ्रेंड, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया हुआ था, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे, जब एक बार रिफ्लेक्शन ओरिजिन में होगा और उसके बाद किसी और एक्सिस में, ओरिजिन किसी और एक्सिस में रिफ्लेक्शन होगा, उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जो भी हमें कोऑर्डिनेट दे रखे उसको पॉजिटिव कर देना पड़ेगा बस, यानी कि अभी 6 और -5 दे रखा है तो अभी आंसर आ जाएगा 6 और 5, ऑप्शन नंबर टू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए राइस ट्रेडर बायस 20 क्विंटल राइस फॉर 8,580 रुपये, हाउएवर
22% of rice is lost in transportation. At what price should he sell to earn 20% लाभ? तो हमें को हमें ये बताएं कि वो चावल को किस दाम में बेचे कि उसको 20% का लाभ हो 22% खराब हो जाने के बाद. तो फ्रेंड ऐसा क्वेश्चन हमने पहली बार डिस्कस किया था. हमने क्या बात करी थी कि हम इस पूरे केस में ना हम खाली एक क्विंटल के अकॉर्डिंग काम करेंगे. ठीक है, देख लेते हैं कैसे. अपने को दे रखा है 20 किलो का दाम है 8580. तो 1060 शहीद हो गया. तो यहाँ से कितनेगा, यहाँ से जाएगा 429. एक किलो का दाम आ गया 429 रुपये. ठीक है फ्रेंड्स, अब अपने को दे रखा है कि 22% खराब हो गए, यानी कि 1000 ग्राम में से 220 ग्राम शहीद हो गए. तो बचे कितने, 780 ग्राम. तो 80 ग्राम का मूल्य है 429 रुपये. ठीक है, तो एक ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, एक ग्राम का मूल्य हो जाएगा 429 बटे 780. मगर अपने को निकालना है 1000 ग्राम का दाम की क्विंटल में दे रखा है, तो इसको 1000 से गुणा कर दो. ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमें इसमें प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है. प्रॉफिट कितना है, 20% है, और 20% का मतलब कितना होता है, 6/5. अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. अब देखो, 5 से ये 200 बार चला जाएगा, 6 से ये चला जाएगा 13 बार. ठीक है, मतलब 130 बार, ये तो 780 है ना, तो 130 बार चला जाएगा. तो 10 से 10 शहीद हो गया, तो ये 13 से कट जाएगा क्या, 13 39 33 चला गया, 33 2 66, 660 आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन ऑफ लाइन दैट हैज 3/(-4/) एज वाई एंड एक्स का इंटरसेप्ट. ठीक है फ्रेंड्स, अपने को इक्वेशन दे रखी है सारी है, बस अपने को देखना है कि ये वैल्यू किसके साथ सेटिस्फाई कर रही है. ठीक है, अब जो हमारा एक्स का इंटरसेप्ट है, एक्स का इंटरसेप्ट को अपने को पॉजिटिव दे रखा है. ठीक है, और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि एक्स भी पॉजिटिव में होना चाहिए और जो कॉन्स्टेंट टर्म होगा इक्वेशन वो भी पॉजिटिव होना चाहिए. क्यों, क्योंकि अगर पॉजिटिव टर्म नहीं होती तो यहाँ पे माइनस का साइन होना चाहिए था, यानी कि जितने भी माइनस वाले ऑप्शन है सारे के सारे शहीद हो गए, यानी कि ये भी खत्म हो गया बेचारा, माइनस 12 दे रखा है और ये भी माइनस 14 दे रखा है, तो ये दोनों खत्म हो गए. अब अपना दो ऑप्शन बचे, कौन कौन से, 8x + 21y = 14, और दूसरा दे रखा है 8x - 21y = 12. अपने पास ये दो ऑप्शन बाकी हैं जो पॉजिटिव में, आप देख लेते हैं सेटिस्फाई कौन कर रहा है. अब देखो फ्रेंड, जो y इंटरसेप्ट है ना, y इंटरसेप्ट नेगेटिव में दे रखा है. अब देख लो y इंटरसेप्ट नेगेटिव किस में है, मतलब y का जो कॉफिशियंट है नेगेटिव दूसरे इक्वेशन में, तो ये हमारा यही आंसर हो जाएगा. ठीक है, देख लेते हैं कैसे. अब देखो हमें करना क्या होता है, जो भी कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म को x के कोफिशियंट के साथ अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, 12/8, और 4 2 8, 4 3 12, 4 3, यहाँ से कितना आ गया, 3/2, और हमारा एक्स इंटरसेप्ट भी 3/2 ही था. तो देखो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर, क्योंकि अपने को y नेगेटिव में लाना, नेगेटिव x से ही आ सकता है, ऑप्शन नंबर 3 से. ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए टेट्राहेड्रॉन हैज 4 वर्टिसेस, हाउ मेनी एजेस डज इट हैव. ओके फ्रेंड्स, फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है वर्टिसेस माइनस एजेस प्लस फेस बराबर 2. अपने को पता है टेट्राहेड्रॉन में 4 फेसेस होते हैं और वर्टिसेस भी 4 हैं, माइनस एज अपने से पता नहीं है. ठीक है, तो 4 4 8, तो 8 - e = 2, तो e बराबर कितना हो जाएगा, 8 - 2, e = 6 आंसर आ गया. ठीक है, ये ऑयलर्स फॉर्मूला है किसी भी पॉलीहेड्रल के लिए, उसकी वर्टिसेस एज या फेस को कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वृत्त की परिधि एक समभुज के परिमाप के बराबर है, यानी कि परिधि परिमीटर 2πr = 3a. यदि उस वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो समभुज त्रिभुज क्या होगी.
जो वो हमारा सर्कल है उसका रेडियस 14 है, यानी कि 2 इंटू 22 बटे 7 इंटू 14, क्योंकि रेडियस 14 का बराबर 3a, तो 7 से ये चला गया दो बार, 2 दूनी 4, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो अपने को दे रखा है 88 इज इक्वल टू 3, निकालना क्या है भुजा ए निकालना है, तो ए हो जाएगा 88/3, आंसर आ गया 88/3, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ कर्व्ड सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज इतना एंड इट्स रेडियस इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। ओके राइट सर्कुलर कोन, अपने को पाई आर एल का मान दे रखा है 110, ठीक है, और आर दे रखा है 35, तो अपने को वॉल्यूम निकाल, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, पाई का मान हो जाएगा 22/7, रेडियस अपने को 35 रखा है, एल अपने को पता नहीं है, बराबर 110, तो ये 7 पंजे, तो 22 पंजे 110, एल बराबर, ओके तो 1 0 से 0 चला गया, अब एल कितना आ जाएगा 1001/11, ठीक है, तो एक बार डिवाइड करके देख लेना जाएगा, इससे 11 99 91 आ गया, ओके यानी कि हमें जो कोन दे रखा है कोन की जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई 91 आ गई, ठीक है। अपने को रेडियस कितना मालूम है, रेडियस मालूम है 35, तो 13, अब अपने को इसकी हाइट निकालनी, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए अपने को हाइट चाहिए होगी, ठीक है। तो अपने को हाइट कैसे निकालेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी हाइट निकाल सकते हैं, एक और तरीका भी कर सकते हैं हम इसमें। फ्रेंड्स अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा इस ट्रायंगल का जो ये हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण और जो आधार है ना, इसमें एक सिमिलैरिटी है, वो सिमिलैरिटी क्या है, 35 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 7, 91 को लिख सकते हैं 13 गुना 7, अगर हम अभी 7 को भूल जाएं तो यहाँ मतलब यहाँ पे जो भी हाइट होगी ना उसको भी हम 7 से गुणा करेंगे, क्योंकि फैक्टर 7 ही है। तो अपने को मालूम ही है कि 12, 5 और 13 एक ट्रिपलेट होता है, तो ट्रिपलेट बन रही थी यहाँ पे 12 आएगा, तो हाइट कितना आ गया, हाइट आ गया 7 12 7 84, हाइट आ गया 84, ठीक है। वो हमें करना क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई कितना हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 35 गुना 35, 35 और एच है हमारा अभी 84 आया है, ठीक है 84, तो किस क्या कितना आ जाएगा, 7 से ये चला जाएगा धाम 70 12 बार, ठीक है, ये 3 से ये 4 बार चला जाएगा, यानी कि जो भी आंसर होगा ना उसमें आखिरी में 0 आना चाहिए और बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे हमें 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने, लास्ट में 0 आएगा, तो लास्ट में 0, ओके सॉल्व भी करना पड़ेगा क्योंकि 2 में 0 आ रहे हैं, 13,860 और 27,700 भी दोनों में 0 आ रहे हैं, मतलब पूरा कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 22 4 88, 88 गुणा 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर होता है 3 चौक 12 25, 12 25, जो इसका जो भी आंसर होगा फ्रेंड्स वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके एक बार देख लेते हैं क्या जाएगा इसका मल्टीप्लाई करने के बाद, एक बार थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया काफ़ी दिनों बाद, जिसमें सही में थोड़ा टाइम लगा। 1225 गुना 88, 8 5 40, 4 8 2 16, 4 20, 2 8 2 16, 2 18, हासिल 8 1 8 9, 9800008, 88 सही लिखा है ना, 8 8 16, 1 17 1,
फ्रेंड लगता है मैंने कहीं पे कुछ फर्जीवाड़ा कर दिया कैलकुलेशन में, एक बार फिर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 88 हो गया, 8 × 40 चार हासिल, 8 × 16 4 20 हासिल, तो 8 × 16 2 18 हासिल, 1 8 8 9। कहीं पे कुछ रह गया शायद, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग तो कैलकुलेशन में कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं हुई है, आप लोग एक बार ये ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप में से किसी का इसमें से कोई उत्तर आ रहा है क्या, क्योंकि मेरा तो जो उत्तर आ रहा है वो ऑप्शंस के साथ मैच नहीं हो रहा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग एक बार ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते। वैसे अप्रोच तो यही है क्योंकि अपने को पहले पाई आर एल कैलकुलेट करना है, पाई आर एल से अपने को स्लांट हाइट मिल जाएगी, तिरेक ऊंचाई मिल जाएगी, और तिरेक ऊंचाई से हम इस फिर कोन की ऊंचाई निकाल लेंगे, और ऊंचाई निकालने के बाद हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रोच यही लगेगी इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कोसेक 5π/3, कोसेक 5 × 180/3 विच मीन्स ओके 6 × 300, कोसेक 300 का मान निकालना है। ठीक है, कोसेक 300 का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कोसेक 240 + 60, और हम इसको कह सकते हैं कोसेक 60। अब एक चीज़ और है फ्रेंड्स, जो हमारा कोसेक 300 है ना, वो कहीं ना कहीं जाके फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक होता है नेगेटिव में। ठीक है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, और कोसेक 60 का मान क्या होता है 2/√3, मगर माइनस का, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, ये क्वेश्चन अभी हमने अपने प्रीवियस वाले पेपर में भी सॉल्व किया था, और मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता ही चुका हूँ, तो इसका आंसर अभी आ जाएगा 2 cos A cos B, क्योंकि बस अपने को इनका फॉर्मूला ही रखना है, बस वैल्यू अगर अपने को हमने रख दी तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो मैं बता ही देता हूँ, खैर कोई बात नहीं, करना क्या है, sin A + B का फॉर्मूला होता है sin A cos B + cos A sin B, उसके बाद माइनस दे रखा है, माइनस के बाद क्या क्या रखा है, sin A - B, और वो क्या होता है sin A cos B - cos A sin B। अब देखिए फ्रेंड, बाहर माइनस का तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो sin A वाला ये दोनों शहीद हो जाएंगे, तो बच क्या जाएगा 2 cos A sin B बच जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 cos A sin B, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके अगला क्वेश्चन कह रहा है cos A + sin A² = ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम एक ही को एक वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इसको, ए को ले लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, तो cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, और sin 30 होता है 1/2। ठीक है, और इस पूरे का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा √3 + 1/2 का स्क्वायर। अब देख लेते हैं इसी प्रकार का आंसर किससे आ जाएगा, कॉसेक ए माइनस साइन है, तो हमें √3 तो किसी हालत में नहीं दे पाएंगे, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अगला दे रखा है cos A - sin A, cos A - sin A से कितना आ जाएगा, cos A - sin A से आ जाएगा √3/2 - 1/2, अपने पास स्क्वायर नहीं आ रहा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन दे रखा है cosec A - sin A, cosec A - sin A से भी आंसर नहीं आ सकता। तो देखो, तीन तो हमने निगेट करी थी, तो चौथा आंसर अपने आप बच गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बस अपने को इसमें वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, इससे पहले बाहर दो भी है, एक सेकेंड क्वेश्चन, अब देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में यहाँ पे -2 दे रखा है और यहाँ पे 2 दे रखा है, तो हमें इससे पहले बाहर
माइनस टू लिखना पड़ेगा, है ना? मैंने शायद लिखा नहीं, तो एक बार ध्यान से देख लेते हैं। एक मिनट, फिर ये माइनस टू नहीं, ये टू ही है, क्योंकि ये जो डैश है ना, ये क्वेश्चन के बाद वाला डैश है, माइनस नहीं है। तो इसके बारे में टू लिखना था, जो मैं लिखना भूल गया था। कोई बात नहीं, हम बस चेक करना पड़ेगा, तो हमारा एक ही ऑप्शन बच जाता है, फोर्थ ऑप्शन, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हमें स्टॉक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक बार देख लेते हैं कहीं पे कुछ अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं क्या। हम इसको लिख लेते हैं 50, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। इसको मान लेते हैं 40 और इसको मान लेते हैं 60, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ठीक है, एक बार सारे ऑप्शन भी देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन दूर दूर है, यानी टू द पॉइंट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ्रेंड्स हमने 25 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ जाएगा, 250 और 125, 375। 375 के आगे कितने जीरो हो गए, 3 जीरो हो गए, यानी कि ये 3,75,000 हो गए। ठीक है, 16 अट्ठे, मतलब इससे पहले तो आ जाएंगे 4 जीरो, 1 2 3 4, और 16 अट्ठे कितने होते हैं, 160 में से 32 हटा दो तो 128 होते हैं, 128। तो ये 12,80,000 हो जाएंगे। ठीक है, हमने इसको 50 माना था, अगर हम 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25, 250, तो ज़ीरो कितने हो जाएंगे, ज़ीरो तो होंगे 4, 1 2 3 4 0, क्योंकि एक ही ज़ीरो ये वाला और 3 जीरो ये। 55 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 25, 275, 275, तो ये 27,50,000 हो जाएंगे। अगर हमने 40 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो 27 को हमने 40 से मल्टीप्लाई किया, 27 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 112, 108, और 108 का कितना है, जीरो लग जाएंगे 4, 1 2 3 4 और 108, तो 10,80,000 यहाँ से आ गए। और ये हमने इसको लिया है 60, 60 को हम 25 से अगर मल्टीप्लाई, इसको हम 25 ले लेते हैं, कैलकुलेशन करने में और भी आसानी हो जाएगी। तो हम अगर हम 60 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 25 6 150, 15 लाख यहाँ से आ जाएंगे, 15 लाख यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, तो 15 लाख ये, 11 लाख ये, 15 और 11 26, 26 और 27, 26 26 बाद 53 53 और 12 65 65 और 3 68, 68 लाख के आसपास आंसर होगा हमारा। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि 62 लाख के आसपास है, 60 जितना भी है, मतलब 100 से कम ही है। हमने अप्रोक्सीमेशन किया था इसलिए ये थोड़ा सा वेरिएशन आया, वरना अगर आप टू द पॉइंट कैलकुलेट कर दे तो एक्यूरेट आ जाता, मगर अपने को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि टू द पॉइंट कैलकुलेट करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, द इम्पोर्ट इन 2012 वाज ₹700 करोड़। 2012 में इम्पोर्ट जो था वो 700 करोड़ था, और अपने को जो डेटा दे रखा है आई अपनी का, वो दे रखा है 700/E=0.9, क्योंकि जो डेटा अपने दे रखा है ना, वो आई अपनी का ही डेटा दे रखा है, इम्पोर्ट अपन एक्सपोर्ट का डेटा दे रखा है और उसका रेशियो गिवन है। अब 2012 में रेशियो दे रखा है 0.9, यानी कि 2012 में इंपोर्ट जो था एक्सपोर्ट से कम था, तभी तो रेशियो, तभी तो कट के वैल्यू 0.9 आई है, क्योंकि नीचे बड़ी वैल्यू होगी तभी तो एक से कम है। यानी कि 2012 में ई कितना हो जाएगा, ई हमारा हो जाएगा, अगर हम इसको 9 से 0.9 से भाग कर देंगे, 9 9 8 72, तो ये लगभग 800 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 800 हो जाएगा। ठीक है, और अपने को दे रखा है कि 2012 में 12 और 13 में मिला के हमने 4,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था, जिसमें से हमने 3200 सॉरी 800 तो हमने 2012 में कर दिया, तो 2013 में कितना एक्सपोर्ट किया होगा, 4,000 माइनस 800, विच मीन्स 3200 एक्सपोर्ट किया था। और 2013 में एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट है, क्योंकि वन है, वन मतलब दोनों बराबर है, यानी कि 2013 में इम्पोर्ट भी 3200 के आसपास ही होगा, और अपने को भी इम्पोर्ट ही निकालना है, तो आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यही है 3200 के आसपास।
बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, वो हमसे दो बर्थ डेट्स के बीच में हाइट का डिफरेंस पूछेगा, और वो दो बर्थ डेट्स हैं 7th और 16th। 16th में है 175, 7th में देख लेते हैं। सेवेंथ में है 125, तो 125 माइनस 175 इज 50, तो इसका आंसर आ जाएगा 50, बस माइनस ही करना था। अगला देख एक बार देख लेते हैं, 50 है क्या कोई ऑप्शन? बिल्कुल फ्रेंड्स, 50 है ऑप्शन नंबर 4, और ये इसका करेक्ट आंसर भी है। देखो ये करेक्ट आंसर लिखा हुआ है 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंसान 10 बजे से 6 बजे के बीच में सो रहा है, और फिटनेस बैंड ने हमें कुछ फॉलोइंग डेटा दिया है, और उसने इन नींद की पोजीशंस में इतना परसेंटेज ऑफ टाइम दे रखा है कि उसने सोने में इस प्रकार की नींद में उसने इतना इन्वेस्ट किया है, ख़त्म किया है, ठीक है? तो वो स्टेट कौन कौन सी है जिसमें वो क्वेश्चन पूछ रहा है, डीप स्लीप एंड अवेक। तो डीप स्लीप का क्या परसेंटेज है? डीप स्लीप का परसेंटेज है 5, और अवेक का परसेंटेज है 40। तो टोटल 45% हो गया, क्योंकि बीच में इसने और यूज़ किया है। जब हम क्वेश्चन में और आ जाता है तो अपने को वो स्टेट को जोड़ना पड़ेगा, तो 40 और 5 45 होते हैं, टोटल होता है 100%। और टाइम दे रखा है 10 से 6 बजे के बीच में, मतलब कि 8 घंटे, ठीक है? 8 घंटे, यानी कि 4 घंटे थोड़ा सा कम आंसर आएगा। देख लेते हैं, 9/20, 10, 4, 5, 2, 1.8, 18 दूनी 36, 3.6 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, इंग्लिश आ गई फ्रेंड्स। पेपर में कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करने के लिए ना एसएससी जानबूझ के एक आधे क्वेश्चन में ऑप्शंस ऐसे डाल डाल देती है कि जिसमें स्टूडेंट उलझ जाता है। जैसे कभी एक वो क्वेश्चन आ गया था अभी, वो मेंसुरेशन वाला, जिसमें हमारा ऑप्शन नहीं हो रहा था। तो कई बार एसएससी वो जानबूझ के भी करती है कि कोई अगर कम इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट अगर होगा तो अपना टाइम उसी क्वेश्चन में वेस्ट कर देगा कि हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा। तो आपको ऐसी चीज़ें पहले से ही पता होनी चाहिए कि कई बार कुछ क्वेश्चन में हमें आंसर्स मैच नहीं करेंगे, तो उसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि बाद में एसएससी अपनी गलती खुद ही मान लेता है कि वो क्वेश्चन गलत था, सो और वो मार्क्स सबको प्रोवाइड करता है। तो घबराने की बात नहीं है, एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स? और अगर आपको आज के सेशन में कोई क्वेश्चन ऐसा लगा कि जो आपको समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के सेशन में इतना ही, मिले सेशन में, तब तक के लिए बाय।